हेलो दोस्तों, मैं हूं वंठी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि गूगल क्रोम जो कि ऑटोमेटिक अपडेट होता है तो उसको डिसेबल किस तरीके से करना है, उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन रहता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, जैसे हम वीडियो अपलोड करें और आपको नई जानकारियाँ मिल पाए। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि गूगल क्रोम जो होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है, जो कि आज 10 मार्च की डेट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गूगल का 89 वर्जन स्टेबल हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कंट्रोल पैनल ही दिखा देता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन को भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आज की डेट में इसको इंस्टॉल किया और ये 70 वर्जन को ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या सेटिंग किया मैंने उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना गूगल क्रोम को अब जो अनइंस्टॉल किया, पुराना वर्जन जो था मेरा 89 वर्जन, जो कि आज के डेट में अपडेट हो गए, मतलब आज के डेट के लिए अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो मेरे को 70 वर्जन यूज़ करना था अपने आयुष्मान पोर्टल के लिए, तो जो कि कंपेटेबल है आयुष्मान के लिए। तो मैंने क्या क्या किया इस वीडियो में उसके बारे में भी बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपना गूगल क्रोम अनइंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 स्टेप सेटिंग किया। जैसे कि मैंने अपना रन कमांड में आपको जाना होगा, रन टाइप करके यहाँ पे msconfig टाइप करना होगा। इस तरीके से आपको msconfig टाइप करना होगा, फिर आपको ओके करना है, फिर इस तरीके से ओपन होगा तो उसको आपको यस कर लेना है, फिर इस तरीके से उसका विंडो ओपन होगा और आपको सर्विसेज में जाना होगा। सर्विसेज में आप जाएंगे तो आपको जितने भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा प्रोग्राम जो कि बैकग्राउंड में रन होता रहा होगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गूगल से रिलेटेड 2-3 चीज़ें रहते हैं, उसको आपको डिसेबल करके आपको एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करना है, उसके बाद आपको अपना जो गूगल क्रोम है उसको अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद डाउनलोड करके जो भी वर्जन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको डाउनलोड करना है, फिर आपको इंस्टॉल करना है और कुछ जो गूगल की पुरानी डाटा रहते हैं उसको डिलीट भी करना है, फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको गूगल से रिलेटेड जो हैं उसको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल से रिलेटेड ये 2 चीज़ हैं, गूगल अपडेट सर्विस जी अपडेट, गूगल अपडेट सर्विस जी अपडेट एम, इन दोनों सर्विसेज को मैंने आज ही के डेट में इसको डिसेबल किया, और इसको डिसेबल करने के बाद अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपको रीस्टार्ट और बिना रीस्टार्ट करके एग्जिट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको अपना गूगल क्रोम है उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, सॉरी अनइंस्टॉल कीजिए। जैसे ही उन सारे ये एक चीज़ पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेप अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अपना सी ड्राइव में जाना होगा। सी ड्राइव में जाने के बाद आपके प्रोग्राम, अगर आपका 64 बिट है तो प्रोग्राम फाइल x86 वाला में जाएंगे, अगर 32 बिट है तो प्रोग्राम फाइल में जाएंगे। ठीक है, तो मेरा 64 बिट है तो मैं प्रोग्राम फाइल में ही जाके दिखाता हूँ, 86 वाला में। यहाँ पर जाएंगे तो आपको गूगल नाम से एक फोल्डर मिलेगा, इस गूगल वाले फोल्डर में अपडेट नाम से एक फिर फोल्डर मिलेगा। इन सारे चीज़ों को आपको सिलेक्ट करके बारी बारी से डिलीट कर लेना है, अगर डिलीट नहीं होता है तो जैसे कि ये वाला फोल्डर के यहाँ पे आपको डिलीट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे डाटा रहता है, जैसे कि मैंने अभी तो डिलीट कर लिया है लेकिन आपको डाटा रहेगा, तो आपको कंट्रोल ऑल कर लेना है, सिलेक्ट ऑल कर लेना है, फिर आपको डिलीट करना है, जो चीज़ डिलीट नहीं होगा आपको एक एक करके डिलीट कर लेना है। ठीक है, जितना डिलीट होगा उतना डिलीट कर लीजिए, उसके बाद आपके गूगल क्रोम में
जो आप यहाँ हमारे जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अगर 70 वर्जन यूज़ करना चाहें तो उसका 64 बिट का भी दे दूंगा, 32 बिट का भी, वहां से आप डाउनलोड करके, जैसे कि मैंने यहां पे 70 वर्जन का डाउनलोड करके रखा था, तो आपको सीधा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से पहले आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से पहले आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको दोबारा मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही आपका अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, आपका गूगल क्रोम इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको इसको ओपन करने से पहले एक चीज़ और सेटिंग करना होगा। आपके नेट सिस्टम में नेट कनेक्ट करने से पहले आपको सर्च करना होगा सर्विसेस, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्विसेज टाइप कर लेना है, फिर सर्विसेज में जो कि हमने वहाँ पे कुछ समय पहले जी अपडेट और जी अपडेट एम वाला जो बताया था, उसको अनचेक करके अप्लाई करके सिस्टम रिस्टार्ट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी गूगल अपडेट सर्विसेज से रिलेटेड। तो इन चीज़ों को जैसे कि मैंने यहाँ पे डिसेबल करके रखा है, ठीक है, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे आपको डिसेबल कर लेना है, ठीक है। फिर आपका जो गूगल क्रोम है वो अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिक, जब तक आप चाहेंगे नहीं इन तीनों सेटिंग को, आप मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे, तब तक आपका गूगल क्रोम अपडेट नहीं होगा, ठीक है। ये हुई आपकी गूगल क्रोम से रिलेटेड आपकी जितने भी समस्या है, अपडेट ऑटो अपडेट से रिलेटेड, जैसे कि सॉरी ये मैं गलत टाइप कर लिया, ठीक है। और ये जो मैं गूगल 70 वर्जन बता रहा हूँ दोस्तों, ये कि बहुत ही अच्छा है, स्मार्ट पोर्टल में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक CSV वाली हैं, और तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए ये क्या बन गया, इसको मैं छोड़ता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैं प्रोसेस बताया हूँ उसको आपको कर लेना है, ठीक है। धन्यवाद।